अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सी देसी चिकन सालन की रेसिपी। अमेजिंग सी रेसिपी है, इजी है बनाना इसे, तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले लेंगे 1 kg देसी चिकन। इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर ले पहले, और इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। देसी चिकन सरसों के तेल में ही ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 छोटी इलायची मैंने ली है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 कबाब चीनी है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2 लौंग ली है। तो यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ को प्याज को काट कर और गरम मसाले डालने के बाद उसमें ऐड कर दी थी, और इसे डार्क कलर यानी गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया। और फिर इसे निकाल लेंगे क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। वो वीडियो किसी वजह से स्किप हो गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि गरम मसाले डालने के बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज काट कर डाल लें और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज को ठंडी कर ले पहले, उसके बाद इस ग्राइंडर जार में डाल दें। और यहाँ पर ऐड करेंगे 50 ग्राम के करीब दही, यानी कि 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही ऐड की है, और इसका एक फाइन पेस्ट यानी कि बारीक पीस कर तैयार करेंगे। इस तरह से हमें पीस लेनी है। अब उसी ऑयल में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट करके डालेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही। देखिए यहाँ पे प्याज फ्राई हो गई है, तो अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे चिकन को। चिकन डाल देंगे, उसके बाद गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हमें चिकन को फ्राई करना है प्याज के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए इसे चलाते रहें लगातार, क्योंकि ये चिपकती है। फिर अच्छी तरह से 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटे चम्मच भर कर ग्रीन चिल्ली पेस्ट यानी कि हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिला लेंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस फ्लेम अभी मैंने मीडियम ही रखी है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच भरकर जीरा पाउडर लेंगे, 2 छोटी चम्मच भरकर यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लेंगे, और यहाँ पे 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर लेंगे, 1 छोटी चम्मच भरकर यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे क्योंकि सालन इसमें ज़्यादा बनेगी, तो यहाँ पर इसीलिए नमक 2 चम्मच मैं ले रही हूँ। आप अगर सालन की क्वान्टिटी जितना रखते हो उस हिसाब से नमक ऐड करें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। तो इन मसालों को हमें धीमी आँच पर ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे चलाते हुए भून लेना है। अच्छी तरह से चलाते हुए नीचे हमें भूनना है ताकि मसाले नीचे चिपके नहीं। 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने प्याज का जो पेस्ट तैयार की थी ना, प्याज और दही वाली, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और इसे मिक्स कर देंगे। और इसे फिर हम धीमी आँच पर ढक कर करीब 7 से 8 मिनट तक इसे भूनेंगे, और बीच बीच में ढक्कन ओपन करके आप इसे ज़रूर चलाएं, इसे चिकन जो अच्छी तरह से भूनेंगे। तो 7 से 8 मिनट तक हमें धीमी आंच पर इसे भूनना है। तो देखिए जी, इसे भूनते हुए मुझे करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में मैंने इसे ढक्कन ओपन करके चलाया था। तो देखिए ये अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ले रही हूँ मैं 500 ml पानी। पहले हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे कि इसके हमें सालन की क्वान्टिटी कितनी रखनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, ज़्यादा कम या ज़्यादा जितना रखना हो आप कर सकते हैं। तो अभी मुझे इसमें थोड़ी सी पानी और डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 300 ml पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि इसे मैं धीमी आंच पे अभी पकाऊंगी तो सालन जो है ना परफेक्ट फिर अपनी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे, चला लेंगे, ढक्कन को कवर करेंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने देंगे। देखें जी, यहाँ पे 1 उबाल आ गई है। तो अब इस पॉइंट पे हमें गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक हम ढककर फिर से पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ही इसे हम फिर ओपन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ इसे चिकन को पकते हुए, तो गैस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ये हमारा चिकन है ना परफेक्टली पक गया है। चलिए इसे चेक करते हैं एक बार। देखें जी, परफेक्ट, सालन भी परफेक्ट है। चलिए चिकन को एक बार चेक कर लेते हैं कैसे गली है कि नहीं। देखिए जी, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई, परफेक्ट ये हमारा चिकन गल चुका है। सालन भी परफेक्ट हो गई। अगर आपको सालन कम रखना हो तो पानी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़े से धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर ऊपर से डालने से ना ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे,
देखिए जी हमारा ये परफेक्ट बहुत ही ऑथेंटिक देसी चिकन बनकर तैयार है। बहुत आसान तरीका है इसे ये बनाना। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसे आप चावल, रोटी, नान, पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत एडजस्टेबल ये रेसिपी है, बहुत मज़े की लगती है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।